नमस्कार, मैं आदिति सिंह हाजिर हूँ एक बार फिर आप सभी के सामने। सबसे पहले तो महिला दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज महिला दिवस के अवसर पर हमारे साथ यहाँ पर चर्चा करने के लिए कुछ महिलाएं उपस्थित हैं। हम चर्चा करेंगे कि वसई विरार में कितनी महिलाएं सेफ हैं, और इन सभी महिलाओं की तरफ से हम आपको एक मैसेज भी देंगे। मैं आपका सबसे पहले परिचय करा देती हूँ। ये महिला जो है ये महिला बचत गट से है और ये पत्रकार हैं। इसके अलावा महिला गृह उद्योग से हैं ये लोग, और ये जो लेडी है ये नेशनल और इंटरनेशनल कराटे चैंपियन है, और ये लेडी जो है ये फार्मासिस्ट है। सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप एक कराटे चैंपियन होने के नाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगी महिलाओं को? सभी को अपनी खुद की देखभाल खुद करनी चाहिए, लाइक खुद सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए एंड खुद अलर्टनेस दिखा के, लाइक वन स्टेप फॉरवर्ड लेके हमें खुद की रक्षा खुद करनी चाहिए। और हमारे जैसे दूसरी महिला अगर कोई परेशानी में है और हमें बचाना आता है तो हम उन्हें भी बचा सकते हैं। इसी तरह से हमें खुद फिटनेस भी मेंटेन करना चाहिए। और इसके अलावा आप इनकी मदर होने के नाते आप इन्हें कैसे मोटिवेट करती हैं? पहले मैं ये करना चाहती थी मगर मुझे ये हुआ नहीं मेरे से। इसके लिए मैंने अपने बेटी को एक सेल्फ डिफेंस के नाते और इसमें आगे बढ़ने के लिए मैंने उसको प्रेरित किया कि सब खुद की और सबकी रक्षा करने के लिए उनको यानी खुद अपने पैरों पर खड़ी रहने चाहिए। आप एक महिला गृह उद्योजिका हैं, तो आपका क्या कहना है आज महिलाओं के लिए, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रत्येकाने आपले आपले काम आपले पायावर करून उभं राहून करायचं। कोणाला सपोर्ट पाहिजे असेल तर कोणाची मदत घ्या, किंवा मग चार माणसांनी आपल्याबरोबर गोळा करून आपलं काम करू शकतो आपण। मैडम, एक पत्रकार होने के नाते आप सभी चीज़ों से रूबरू हैं, तो आपका क्या कहना है, महिलाओं को आप किस तरह से प्रेरित करेंगी आज के दिन? आज के दिन में मैं महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि नारी शक्ति अपार है। अगर नारी सृष्टि का आधार है तो नारी ने खुद का भी आधार बनना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा अगर चाहते हैं रास्ते में अगर ऐसी कोई घटनाएं दिखती है तो हमें नज़र आती है, तो पहले नारी ने उनका आधार बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैडम, आपका क्या कहना है इस विषय पर? मेरा यही कहना है कि नारी के पास, महिलाओं के पास शक्ति भी है और प्रेम भी है। जितनी वो प्रेम से रहती है उतनी वो शक्ति दिखा के अपने आगे बढ़ सकती है। मैडम, आपको क्या लगता है वसई विरार में महिलाएं कितनी सेफ है? अभी वो हमारे एरिया के ऊपर डिपेंड है, और हम कैसे रहते हैं वो भी डिपेंड करता है, या फिर हमारा समाज हमें कैसा देखता है, उनका नज़रिया क्या है, वो भी मायने रखता है। हम ऐसे बोल नहीं सकते कि इधर ज़्यादा इधर कम है, बट वो समाज पे डिपेंड है कि वो उन लोग हमें कैसे देखते हैं, कौन से नज़रिए से देखते हैं। महिलाएं शॉर्ट्स पहनती हैं तो उन पर सवाल उठता है कि ये शॉर्ट्स पहनी है तो ज़रूर इसके साथ कुछ ना कुछ गलत होगा, ये रात को निकलेगी तो इसके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ गलत होगा। तो आपकी बेटी एक कराटे चैंपियन है, बट ऑब्वियस वो जाती होगी, तो आपको क्या लगता है महिलाओं के छोटे कपड़े कहीं वजह है, या महिलाओं का लेट रात घर से निकलना ये वजह होता है बलात्कार का, या क्या कहना है आपका? अभी ये तो समाज के ही ऊपर डिपेंड है कि वो कैसे सोचते हैं अपने औरतों के बारे में, और उनको कैसे देखते हैं कि अपनी माँ बहने जब भी बाहर निकलती है तो वो दूसरी जो कोई भी हो औरत तो वो अपनी माँ बहने होगी, ऐसा सोचना चाहिए। तो ऐसा होएगा तो ऐसा बलात्कार वगैरह कुछ नहीं होगा। हमारे देश में खासकर वसई विरार में जिस तरह से क्राइम रेट बढ़ रहा है आप देख रही होंगी, आपको क्या लगता है महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? अगर कोई बेटी रात को 2 बजे निकलती है, तो क्या उसे बेझिझक निकलना चाहिए? क्या उसे इस बात से डरना चाहिए कि अगर मैं रात को 2 बजे निकल रही हूँ तो मुझे डरना चाहिए क्योंकि मैं महिला हूँ? क्या आपको लगता है ये बात जायज़ है? बिल्कुल नहीं, क्यों डरना चाहिए? अगर कहीं महिला कहीं कोई लड़की काम पे जा रही है, नाइट पे से आ रही है, तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। उसे खुद पे विश्वास है तो वो समाज का विश्वास भी बढ़ा सकती है, कि उसकी सोच सही हो तो वो समाज की सोच को सुधार सकती है। क्या कहना है महिला दिवस के अवसर पर महिलाएं कितनी सेफ हैं, या महिलाओं को आज क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहूँगी, महिलाएँ सेफ कहाँ हैं?
आपको क्या लगता है इन सारी बातों के लिए जिम्मेदार कौन है? अगर महिलाएं सेफ नहीं है तो कौन जिम्मेदार है? दोनों जिम्मेदार है, महिलाएं भी जिम्मेदार हैं, आदमी भी जिम्मेदार है, मगर ज्यादातर आदमी जिम्मेदार है। महिलाएं किस तरह से जिम्मेदार हैं? कहीं ना कहीं महिलाओं की भी गलती है, मगर उनकी वजह से दूसरी महिलाओं को सहन करना पड़ता है। ज्यादातर पुरुष ज्यादा जिम्मेदार हैं, मगर उनकी वजह से महिलाओं को सहना पड़ता है। तो जैसा कि आज हमने महिला दिवस के अवसर पर हमने यहाँ उपस्थित महिलाओं से बातचीत की, उन्होंने कहा कि किसी का मत है कि महिलाएं सुरक्षित हैं और किसी का मत है कि महिलाएं नहीं सुरक्षित हैं। अगर महिलाएं नहीं सुरक्षित हैं तो उसके लिए दोनों भी जिम्मेदार हैं। महिलाएं खुद भी जिम्मेदार हैं कि वो आगे नहीं आती हैं, महिलाएं खुद भी जिम्मेदार हैं क्योंकि वो आवाज़ नहीं उठाती हैं। मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगी कि हम किसी के सर का बोझ नहीं है, हम मझधार में फंसे हुए कोई नैया नहीं है, इसलिए आगे आइए, अपनी आवाज़ आप खुद बनिए। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।